इस एक्टर पर एक नहीं बल्कि लगभग 20 महिलाओं ने यौन शोषण का आरोप लगाया है। इस एक्टर को गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस जो है इसकी जांच कर रही है। ये एक्टर दीपिका का भी को एक्टर रह चुका है। कौन है ये, मैं हीना कुमावत फिल्म विंडो पे आपको बताऊंगी। तो मैं बात कर रही हूँ एक्टर क्रिस वू की। दीपिका ने इनके साथ काम जो है XXX रिटर्न ऑफ जेंडर केज में किया था। पिछले महीने जो है एक 18 वर्षीय स्टूडेंट ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि क्रिस वू ने उनके साथ जबरदस्ती संबंध बनाने की कोशिश की थी। अब पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है और जांच जारी है। इस 18 वर्षीय महिला के सामने आने के बाद 7 और महिलाओं ने क्रिस वू के बारे में इसी तरह का आरोप लगाया। लड़कियों का कहना है कि क्रिस ने उन्हें शराब पिलाकर संबंध बनाने के लिए जोर दिया। वो लालच देते थे और ऑनलाइन ट्रिक से युवा लड़कियों को फंसाते थे। 7 अन्य महिलाओं ने भी कुछ इसी तरह का आरोप जो है उन पर लगाया है। क्रिस ने हालांकि इन सारे आरोपों को खारिज किया है। इस खबर के सामने आने के बाद 24 और महिलाएं जो हैं आगे आई हैं और उन्होंने क्रिस पर गलत बर्ताव करने का आरोप लगाया है। क्रिस ने खुद पर लगे आरोपों को सिरे से खारिज किया है। दूसरी ओर कैनेडियन एम्बेसी ने फिलहाल इस मामले में कोई प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की है। तो जी न्यूज की खबर के अनुसार क्रिस वू फिलहाल गिरफ्तार हो चुके हैं और उनकी जो है पूछताछ चल रही है और 20 जी हाँ लगभग 20 से 24 महिलाओं ने उन पर इस तरीके का आरोप लगाया है कि उन्होंने ऑनलाइन जो है ट्रिक किया, काम देने का लालच दिया, घर पर बुलाया और कई महिलाओं का ये कहना है कि जबरन शराब पिलाकर उन्होंने जो है जबरन संबंध बनाने की कोशिश की।